नमस्कार, हिंदी साहित्य टीवी पर आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे वर्ण विचार पर। सबसे पहले तो आपको बता दें कि किसी भी भाषा के व्याकरण ग्रंथ में तीन तत्वों का उल्लेख अनिवार्य होता है। वे तीन तत्व है वर्ण, शब्द तथा वाक्य। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे वर्ण के विषय में। हिंदी विश्व की सभी भाषाओं में सबसे अधिक वैज्ञानिक भाषा मानी जाती है। हिंदी वर्णमाला में 11 स्वर तथा 33 व्यंजन अर्थात 44 वर्ण हैं, जिसके अलावा 4 संयुक्ताक्षर भी शामिल है। हिंदी के इन 48 वर्णों को क्रमशः स्वर, व्यंजन तथा संयुक्ताक्षर भागों में बांटा जा सकता है। अब हम इन सभी को एक एक करके समझेंगे। सबसे पहले हम बात करेंगे स्वर के विषय में। वे ध्वनियाँ या वर्ण जिनके उच्चारण में अन्य किसी ध्वनि की आवश्यकता नहीं रहती, उन्हें स्वर कहा जाता है। हिंदी में स्वर 11 है, जो कि इस प्रकार है अ, आ, ई, ई, उ, उ, ए, आई, ओ, आउ, री। इन 11 स्वरों को भी दो भागों में बांटा जा सकता है, हर्ष्व स्वर तथा दीर्घ स्वर। अब हर्ष्व और दीर्घ स्वर क्या है ये जान लीजिए। हर्ष्व स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में कम समय लगता है, वे हर्ष्व स्वर कहलाते हैं। दीर्घ स्वर ऐसे स्वर जिनके उच्चारण में अधिक समय लगता है, वे दीर्घ स्वर कहलाते हैं। ये दीर्घ स्वर दो स्वरों के मेल से बनते हैं आ, ई, उ, ए, आई, ओ, औ, दीर्घ स्वर है। इनके अलावा जो स्वर बचे वे सभी हर्ष्व स्वर होंगे। तो ये थे स्वर। अब बात करेंगे व्यंजन की। वे ध्वनियाँ जिन्हें स्वरों की सहायता लेकर बोला जाता है, उन्हें व्यंजन कहते हैं। उदाहरण के लिए हम क वर्ण को बोलकर सुन सकते हैं कि उसमें क के साथ अ मिला है। इसी प्रकार सारे ही व्यंजन स्वर की सहायता से बोले जाते हैं। व्यंजनों को क्रमशः स्पर्श, अंतस्थ तथा उष्म के भागों में विभाजित किया गया है। बात करें स्पर्श की, तो इस भाग में क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग तथा प वर्ग के व्यंजन आते हैं। अंतस्थ वाले भाग में य, र, ल, व तथा उष्म में श, श, स और ह व्यंजन आते हैं। ये थी व्यंजनों के संबंध में जानकारी। अब चलते हैं संयुक्ताक्षर की ओर। हिंदी में 4 संयुक्ताक्षर होते हैं, जो कि इस प्रकार है क्ष, जो कि क प्लस श के मेल से बना है, त्र, जो कि त प्लस र के मेल से बना है, ज्ञ, जो कि ज प्लस अण के मेल से बना है, और श्र, जो कि श प्लस र के मेल से बना है।